9. Sum of digit. Sum of digit. आपको चेक करना है कि यहां पे आपको क्या चेक करना है कि जो सम ऑफ डिजिट है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें 2, 5, 3, 8 सम ऑफ डिजिट निकालते हैं तो सम ऑफ डिजिट कितना आया 18 इज डिविजिबल बाय 8 9 18 इज डिविजिबल बाय 9 देयरफॉर 2, 5, 3, 8 ऑल्सो डिविजिबल बाय 9 मतलब वो नंबर 9 से कटेगा। आप कोई और नंबर ले लीजिए जैसे कि यहां पे 3, 2, 6 3, 2, 6, 7, 9 सम ऑफ डिजिट निकालते हैं तो कितना हो गया 11, 18, 36 सम ऑफ डिजिट कितना आया 36 9 से कटता है कि नहीं कटता इसका मतलब ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। क्लियर वो नंबर 9 से डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है तो फिर उसको डिवाइड करेंगे ठीक ना। इसको चेक कीजिए 18 भी है इतना तो आसान है कि किसी नंबर को बस बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए हम लोग और बता सकते हैं कि वेदर इट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय पर्टिकुलर नंबर और नॉट। क्लियर और अगर माने सम ऑफ डिजिट करना और 9 से डिविजिबल नहीं आता 9 से नहीं कटता नहीं कटेगा बस खत्म समझ में आ गया।